मजनू इस इंटरनेशनल खेल का नाम बता। बोलो भाई। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। भाई गेम तो समझा लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। क्रिकेट की बात कर रहा था मैं। और क्रिकेटर्स के क्या होते? पत्नियाँ होती है बॉलीवुड वाली। पत्नियों के अलावा क्या होते? भाई अपुन किसी के पर्सनल मैटर में नहीं घुसता। फैंस की बात कर रहा था मैं। फैंस होते जैसे बजाज का फैन, उषा का फैन, वैसे सचिन का फैन। भाई ठीक से नहीं चल रहा है, मार के देखूं। रुक रुक रुक। ए वेड़िया, बैट का ग्रिप निकालू क्या? चुत्या कुटला। चल चल आगे चल। और ये है विराट का फैन। भाई इस पे सेंसर्ड क्यों लिखा है? इसको चालू किया तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा अपना। और ये क्या है? ये आरसीबी का फैन है, कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। अरे रे भाई ये वाला रह गया। ये वाला थोड़ा गंभीर रहता है, मूव ऑन ही नहीं कर पाया कभी। ओ वो जाने दे। ये देख, ये है इनका कैप्टन कूल फैन। भाई ये वाला फैन कूल क्यों है? ये हेलमेट नहीं पहनता, उंगली करोगे तो कट जाएगी। लगता है पुराना हो गया, निकाल दो। अबे ये क्या बोल दिया, भाग यहाँ से। इस देश में जैसे हर दूसरा बंदा इंजीनियर होता है, वैसे हर पहला बंदा क्रिकेट फैन होता है। और अगर ऐसा ना हो? अचानक से पता चला क्या? हाँ भाई साहब, हमें पता होता कि ऐसा निकलेगा तो उस रात टाइम पे पुल आउट नहीं कर लेता। हमें तो पहले से ही इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी, इसकी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी। पावर प्ले और हाईलाइट देख देख के पाला था इसको, और आज इसने हमें ये दिन दिखाया है। पर माँ मुझे लगता है आई एम ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग फैमिली, मुझे क्रिकेट उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता। चुप कर और कितना जलील कराएगा, इससे अच्छा तू एलजी टीवी प्लस होता। नमस्कार, मैं एलजी टीवी और मैं सीधा और काला हूँ, सतरंगी नहीं। भाग जाए यहाँ से, पाकिस्तान मैच हार गया। इसकी माँ का आटा सानू। आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं हारा है, आज पाकिस्तान के साथ ये बच्चा भी हारा है। सवाल ये है कि आखिरकार इसको क्रिकेट क्यों नहीं पसंद? क्योंकि इसको किसी ने बैटिंग नहीं दी थी। क्यों नहीं मिली इसको बैटिंग? कौन था वो खौफनाक शख्स जो क्रिकेट के लिए मासूम बच्चों के मन के कमोड़ पे दहशत हग रहा था? हाँ तो मिस्टर बिन माबेन, कैसे ढूंढते हो आप अपना पहला शिकार? देखिए जितना छोटा बच्चा मौका उतना अच्छा। क्यों करते हैं आप ये सब? मैं तो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन बचपन से ही मैं अपने मोहल्ले के फास्ट बॉलरों के सामने उतना ही टिक पाता था जितना मैं अपनी बंदी के साथ टिक पाता हूँ। इसलिए बड़ा होकर मेरा ध्यान बच्चों पे गया। उनकी बॉलिंग धीरे होती है, मैं रोज घात लगा के बैठ जाता था। जैसे ही बच्चे शाम को खेलने बाहर निकलते थे, मैं फटाक से उनसे दो दो बॉल करके सारे मोहल्ले के बच्चों से 6 ओवर तक खेल लेता था। आपने आज तक सबसे घिनौना क्राइम कौन सा किया है? जी एक दिन मैंने एक बच्चे से दो दो बॉल करके 2 ओवर खिलवा लिए, और लास्ट बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में मेरे से बॉल नाले में चली गई। बेचारा शाम तक टप्पा मार के बॉल साफ कर रहा था। आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? शुरू में आती थी, अभी मजा आने लगा है। कहीं ऐसा खौफनाक दरिंदा आपके आसपास तो नहीं भटक रहा? इनसे बचने का एक ही उपाय है, अगर कोई अंकल आपको पूछे कि बेटा मुझे 2 बॉल डालोगे, तो सीधा बैट उनके दोनों बॉल पे मार दो और भाग जाओ वहां से। अरे चाचा, यॉर्कर डाल दिया क्या किसी ने? अरे नहीं, ये आजकल के बच्चे। क्या? कुछ नहीं, तुम बताओ। बढ़िया। वैसे आपका बेटा अज्जू किधर है? नहीं था, मतलब ये देखो क्या हुआ इसको। मेरा बेटा एक टाइम पे हमारे मोहल्ले का सबसे अच्छा बॉलर था, बड़े बड़ों की गोटियां सुझा दी थी इसने। फिर किसी ने इसको बताया ओडीआई में भट्टा बॉलिंग अलाउड नहीं होती, तब से ये हाथ घुमाने लग गया। हाथ घुमाते घुमाते इसका दिमाग घूम गया। सही तो लग रहा है? लेग साइड मीडियम पेस, लेग साइड मीडियम पेस, लेग साइड मीडियम पेस। अरे अरे, इसका कोई इलाज नहीं है? इसका इलाज जिराफ को सीपीआर देने जितना कठिन है। एक बात बताओ, ये 20 फीट की स्विमिंग पूल में 40 फीट का जिराफ कैसे डूब गया? तू सीपीआर दे। हट, मैं जा रहा हूँ मैच देखने। अयो कैसा सिलेक्शन किया जी, सिलेक्टर ही खराब है जी। लाइनअप तो सही लग रहा है। अयो मैं चेयर लीडर्स के बारे में बोल रहा जी। हाँ तमन्ना को बुलाते, मुँह काला लगा पे। अबे ये कब से फेंके जा रहा है, स्पिन करेगा तो आउट होगा ना, उंगलियां घुमानी तो आती नहीं। बात तो सही है तेरी, दे ताली। क्या स्कोर हुआ है? भाई किसने हाथ लगाया, नाम बताओ, मार मार के मूत निकाल देंगे। पहले तू मूत क्या, इधर स्टैचू ऑफ पॉवर्टी बन के क्यों खड़ा है? नागू भाई ने कहा है कि मैं सुसु करता हूँ तो विकेट गिर जाती है, तो रोक के रखा। कुछ भी हो गया आउट। आयु थर्ड अंपायर जी। हेलो, नहीं नहीं मुता नहीं है, रोक के रखा है। देखा, ये सब अंधविश्वास है। मेरे स्टैट्स के कैलकुलेशन के हिसाब से अभी 6 लगेगा, देख। वाह भाई, आप तो जन्नत के इमरान हाशमी बन सकते हो। भाई भाई हाँ, मैच कौन जीतेगा, यही तो सवाल है। तो क्रिकेट पुराण के हिसाब से संत सचिनेश्वर ने कहा था कि अगर बॉलर की इकोनॉमी ज्यादा हो और बैट्समैन गरीब हो
तो उसे औकात अनुसार अपने पार्टनर को स्ट्राइक देनी होगी। पहले निकालेंगे LHS। पार्टनर कौन है? जडेजा। स्ट्राइक रेट 64। 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। ओवर कितने बचे? 8। उसकी जर्सी का नंबर क्या है? 8। और चेयर लीडर्स कितनी है? 8। वाह भाई, 8 को उल्टा करे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की खोज ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन विल्स ने की थी 1555 में। वो कुनाल 365 बार हागा था बचपन में, उसका इन्फिनिटी से क्या लेना देना? इन्फिनिटी का क्रिकेट से क्या लेना देना? लेना देना है नागू। अगर हम 1555 को ऐड करें तो कितना होगा? 16। 1 और 6 को ऐड करें तो 8। 7 होता है। इसका मतलब 1 रन से मैच हार जाएगा। अयो कौन? यही तो सवाल है, कहाँ है वो मिसिंग रन 1? और उसका जवाब सिर्फ इन्फिनिटी दे पाएगा। या फिर अंबानी। शह। क्या बोला? शह। यस। इन्फिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत। अनंत का बाप कौन? अंबानी। अंबानी का टीम कौन सा है? मुंबई। मुंबई का कैप्टन कौन? रोहित शर्मा। अभी स्ट्राइक पे कौन है? रोहित शर्मा। उसकी जर्सी का नंबर क्या है? 45। 4+5 कितना होता है? 9। 9 को इस 8 से घटाए तो 1। ये रहा अपना मिसिंग रन 1। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसका मतलब मैच रोहित जिताएगा। ये 5 मिनट पहले रोहित शर्मा आउट हो गया। क्या? अभी ये कैसे हुआ? बोल। हाँ बोल बोल। अयो बोलो। क्योंकि मजनू ने चट्टी में मुद दिया है। अयो वो देखो पोस्टर वाला। दर्शकों में हर्षोल्लास का माहौल, और ये क्या है? हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।